उस परमात्मा का आदर अंश कि अब आधे मेरे साथ चलोगे और मैं जब शरीर धारण करूं तो मेरे ऊपर संसार की कोई चीज भी आप ना चाहिए। तो सिंगाजी बाबा श्रृंगी ऋषि के रूप में उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मैं तो दुआली बनूं जय हो तेरा नाथ जी, मैं तो दुआली बनूं तेरा, मैं तो दुआली बनूं तेरा नाथ जी, मैं तो दुआली बनूं तेरा, चलने न पावे जाना वाजा गया।
मन को दर्पण कहा, मन को हाथी कहा, मन को मृग कहा, मन को तरंग कहा, मन को सागर कहा। यहां सिंगा जी बाबा मन को घोड़े से संकेत करते, मन एक जैसे बिगड़ा हुआ घोड़ा होता है, इसी प्रकार मन होता है। इसलिए मेरे मन घोड़े के ऊपर से ज्ञान और वैराग्य की झील लगाम उतर न जाए। और मेरे बिना हुकूमत के घोड़े में चलना नहीं चाहिए। और निज दिन धनी के आगे रहो, पीछे नहीं। धनी नाम कौन? वह परमात्मा। मन तो सबका बना, चाहे कोई महापुरुष हुआ हो, चाहे कोई साधारण मनुष्य हुआ। परंतु महापुरुष का मन अपने आधार पर जैसे वैसा मन, और हम मन जैसा कहता है वैसा कर सकते, फर्क समझ। वो मन को जैसा कहते हैं वैसा मन से करता है, और हम लोग मन जैसा कहते वैसा, क्यों? मन का साम्राज्य, मन की सरकार है, उम्मत है उसके पास। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ये 10 इंद्रियां और 11वां मन। तो इंद्रियों का राजा मन है,
और मन दसो इंद्रियों पे अपनी हुकूमत चला रहा है। सब उसके पक्ष में बहुमत का जमा है। जिसके पास बहुमत है उसकी सरकार, उसकी हुकूमत चलेगी। तो यहां भी मन राजा बन गया और दसो इंद्रियां उसकी दासी। मन उनको अपने हिसाब से काम पर सिंगा जी बाबा कहते हैं कि मन घोड़े के ऊपर से जीन लगाम, ज्ञान वैराग्य के सही और मन के ऊपर बैठ गए। महापुरुष मन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो जिधर लगाम घुमाते हैं उधर मन को ले जाते हैं। साधु भाई मन घोड़ा का मोड़, तू मत दौड़ा होड़ा मन घोड़ा है तो मोड़ोगे कैसे? वो तो बहुत बिगड़ा हुआ घोड़ा है। अगर लगाम नहीं है तो घोड़े को कैसे मोड़ोगे? उसको दिशा कैसे दोगे? सिंगाजी बाबा पूरी तैयारी और उस परमात्मा से पूरी शर्त लिखवा रहे हैं, वायदा कर रहे हैं कि इतनी मेरी शर्त अगर तुझे मंजूर हो तो मैं मृत्यु लोक में जाऊंगा। पांच हथियार बांधे इस संसार से विजय प्राप्त करने के लिए। नहीं तो इस संसार माइक जगत ऐसा है, कई बड़े बड़े योगियों को धराशायी कर दिया, कई को व्यापी, सृंगी को व्यापी, विश्वामित्र को व्यापी, दुर्वासा को व्यापी, कई लोगों को व्याप गई माया और कई को खा गई, धराशायी कर दिया। परंतु सिंगाजी बाबा ने उन सब के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पांच हथियार बांधे, पांच हथियार जुगत कर ठग ठाकुर। जो ठग लोग हैं उन ठग लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पांच ठग हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये पांच ठग। और इनको पांचों को जीतने के लिए समता, दया, मैत्री, मुदिता, क्षमा, ये उसके हथियार। सिंगाजी बाबा ने तैयारी कर रहे हैं सत्यलोक से आने के लिए पांचों हथियारों को कस कर बांधा, पांच हथियार जुगत कर बांधा। ठग ठाकुर काया गढ़ की करो रखवाली, लूटने न पावे डेरा। ये भी एक किला है, किले देखे तुमने कभी? राजा महाराजा लोग पहले अपनी सुरक्षा के लिए किले बने बने ताकि अपना पूरा परिवार सेना को प्रजा को लेकर किले में आताताइयों से सुरक्षित रह सके। और किले में छेद होते थे दीवार वाले, ऐसी बारियां होती थी, तो उनके सैनिक लोग अंदर से खड़े रहते थे और बाहर के सैनिकों को धराशायी करते और वो किला सुरक्षा। तो ये भी एक कायागढ़ है, इसमें भी बारियां, ये छेद है। इंद्रिय द्वार झरोका नाना तहां तहां बैठे देश उठाना, आवत देखी विषय बयारी तुरत देत कपाट। तो सिंगाजी बाबा कहे कि एक शर्त यह है कि मेरी कायागढ़ को कोई लेने के लिए ना, यम के दूत मुझे लेने के लिए ना आए। यम राजा से लेऊंगा लड़ाई, सन्मुख लड़ू। संतों को यम लेने के लिए नहीं आते, वो जब जाते हैं अपनी मर्जी से जाते हैं और अपनी मर्जी से आते हैं। वो हमको डंडे मार मार कर निकालेंगे, पांव पीट पीट कर। अंतिम समय में आदमी इतना तड़पता है, एक हजार बिच्छू एक साथ काट ले, एक बिच्छू काट ले तो समझ बैठा दे,
पर एक हजार बिच्छू एक सांप काटे ऐसा ही जरा और मृत्यु का दुख है। मृत्यु के समय पीड़ा होती है और उसके जन्म भर के जो कर्म होते हैं वो उसके लिए जम जम जाते हैं, जमा होते 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 अंत में फिर वो जम का रूप धारण करके और वो कर्म उसको उस क्षेत्र में ले जा रहे हैं जो कर्म किया है उस जीव को क्षेत्र में ले जा। तो सिंगाजी बाबा कहेंगे प्रभु इतनी शर्त कभी मेरी मंजूर हो और जो तुम नहीं कर सको तुम्हारे लिए कानून पर मेरे लिए कलयुग में कोई कानून न हो। भगवान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। राम 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 14 वर्ष तक वनवास गए और उनके पिता दशरथ जी का देहांत बचाया राम राम, नहीं तो वो पूर्ण ब्रह्म थे, वो चाहते तो पिता को मरने नहीं देते कि मैं वनवास से लौटूंगा तभी इनका प्राण निकलना चाहिए। अब कृष्ण जी कहां पैदा हुए, कृष्ण जी को जन्म कहां हुआ, जेल में। वो जन्म से निकल के और भाग गए, माता पिता को छोड़ दे। 16 वर्ष का कृष्ण होगा जब तक वसुदेव और देवकी ने कारावास भोगा क्योंकि वो नियम में बंधा हुआ। और संतों ने नचा दिया, नचायो ही संतों ने मोए नाना भाता। सकुबाई ने पानी भरवा लिया, रायदास ने जूते सिलवा लिए, सेन भगत ने दादी बनवा ली, तो मेरा कानून वहां चलेगा तेरा नहीं चलेगा। मैं जो सोचूं, जो करना चाहूं वो होना चाहिए। भगवान ने कहा कि जा भाई, मैं तुझे रजिस्ट्रेशन करके देता हूं, चाहे तो तू कलम मंगा ले, दवात मंगा ले, पट्टा लिखा ले, घनेरा और ये अमरापुर की जो जायदाद है, तेरा जो पद है, तेरी जो कुर्सी है, ये रिजर्व है, अमरापुर की जमीन दिखा ले और बैकुंठ का बसेरा, ये तेरा स्थान, तेरा पद सुरक्षित। तो अवतार एक ही कार्य के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब दौरा करते हैं तो वे एक ही जगह थोड़ी काम लेके आते हैं, हजारों जगह काम निपटाते आते हैं। ऐसी अवतार भी जब आता है तो कई उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उनका अवतार। जो कुल गिरता है जिसमें राक्षसी वृत्तियों का बाहुल्य होता है उनका दमन करने के लिए अवतार होता है। कहां जाओगे भैया, किस कुल में जाओगे, किस समाज में जाओगे, तो संतों का कोई समाज नहीं होता। पर जो कुल गिरता है उसको ऊपर उठाने के लिए संत वहां आते हैं, उसमें कुछ उद्देश्य होता है। और जिन माता पिताओं के पुण्य उदय हो गए, संत जैसे संतान पाने के लिए, भगवान जैसे संतान पाने के लिए, सूरवीर पराक्रमी संतान को प्राप्त करने के लिए माता पिता का बहुत शौर्य और बहुत तप चाहिए। माता पिता के तप पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनके गर्भधर पर संतान की प्राप्ति होती है। आज सिंगाजी बाबा ने माता गौराबाई को
और बाबा भीमा जी को चुनाव किया कि आज सिंगा जी बाबा के माता पिता बनने का उनको गौरव प्राप्त हो रहा है, जो आदि ब्रह्म का अंश लेकर धरा पर आ रहे हैं। उनकी कई जन्म जन्म की कमाई थी, जन्म जन्म की भक्ति थी। राम को प्राप्त करने के लिए स्वयं मनु शत्रुपा ने 3 जन्म तक ऐसे खड़े होकर ऊपर हाथ करके तपस्या की, राम जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए। और वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र हरि भक्त हो, इस समाज का सेवक हो, वीर हो, अपने देश की रक्षा करते करते अपनी बलि अपने प्राणों की आहुति दे दे, वही माता पुत्रवती कहलाने के अधिकारी। पुत्रवती युवती जग सोई, नई तरु बांझ भथा समोई, जननी जने की दाता की सूर, नहीं तो रहती बांझली, क्यों गमावे मुग्गा। पुत्र तो वही जो माता का दूध को उज्जवल कर दे, अपने पिता के नाम को रोशन कर दे, और ऐसे संतान को प्राप्त करने के लिए बहुत तप होता है। आज माता गौरबाई और पिता भीमा का कुंड उदय हो रहा है, जिनके यहाँ आदि ब्रह्म का अंश लेकर परम पिता परमात्मा संगे ऋषि के रूप में खजूर की धरती पर अवतरण हो रहा है। जैसे भगवान राम जन्म हुआ उसके पहले ही उनके साथ नर लीला में जो लोग सहयोग करने वाले थे वो पहले आ चुके थे, हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील, सुग्रीव, बाली, सुमन, वशिष्ठ, हाँ सारे देवता पहले मानव रूप में अवतरित हो गए। अब भगवान कृष्ण के पहले सारी वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं गोपियों का रूप धारण कर करके मथुरा वृंदावन की भूमि पर पहले से अवतर। आज सिंगाजी बाबा से पहले भी सारी वृद्धि सिद्धियां दासी बनकर सिंगाजी बाबा के स्वागत में पहले ही खजूरी ग्राम अवतरित होती। जन्म समय लीला करी सुनो संत चितलाय, माता जानी प्रसोद की जगह में पहुंची जाए, कूचो से धारा बही दूध भयो पाषाण, और पायो खेलत प्रभु को अचरज भयो महान। सिंगाजी बाबा का जन्म नहीं हुआ, सब लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं, परंतु एक आदि ब्रह्म क्या हमारे जैसा नारकी जीवों के जैसा गर्भ में सड़े। सिंगाजी बाबा की यहाँ खेमदास बाबा की वाणी बोलती है कि सिंगाजी बाबा का प्राकट्य हुआ है। माता गौरबाई ने सिंगाजी बाबा को खेलते हुए पाया ब्रह्म बेला में, सिंगाजी बाबा ने चुनाव किया। अरे सिंगा गवले का जाया नगर खजूरी मजनबिया, गवले का जाया नगर खजूरी मजनबिया, सिंगा गवले का जाया नगर खजूरी मजनबिया, गवले का जाया नगर खजूरी मजनबिया।
सिंगा जन्म धराया सरकारो दया हेलो हेलो भैया ये साइड का बक्सा को बंद कर दो पहले लोकेश ये बक्सा तोरण में तोरण सुर है जय विद्या में भर पूरा इधर सूर्य का उदय रात्रि के अंधकार का नाश दोनों प्रकाश के सूचक होते हैं रवि भी और ज्ञान ज्ञान भी प्रकाश का सूचक है तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए सिंगाजी बाबा भी एक सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश लेकर खजूरी की धरती पर अवतरण सारी विद्या को सर्वगुण संपन्न रण में रणसूर विद्या में भरपूर रिद्धि सिद्धि अन्न धन लक्ष्मी पुत्रवंता सिंगाजी धनवंता चढ़ी अणी पर पाछो नहीं आवे जैसो सागर में गजबता पांच पच्चीस को मार आ रहा हूं जिनने पकड़ लियो महिमन पांच तत्व और पांच तत्व की पांच पांच तन्मात्राएं पच्चीस प्रकृति सभी को अपने केंद्र में रखकर और मन को जैसे हाथ में पकड़कर सिंगाजी बाबा का गौशाला में माता गौरबाई पहुंची एक अचेत स्थिति माया डारी मती भुलाई गोदी लेकर ऐसी माया हुई कि माता एक अचेत स्थिति में हो गई उसी समय सिंगाजी बाबा का प्राकट्य हुआ और माता जब होश में आती है तो सिंगाजी बाबा को मुरली बजाते हुए खेलते हुए पाया
कृष्ण रूप अपनी माँ को दर्शन करते। माता ने सोची कि ये मेरा बालक नहीं हो सकता, ये मुरली बजा रहा है, ये तो कोई चमत्कार है। तुरंत का बालक ऐसी लीला नहीं कर सकता, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई चमत्कार है। ऐसी मां को शंका हुई। इतने में सिंगाजी बाबा ने अपनी माया समेट ली और अपनी मां के आंचल से दोनों दूध की धाराएं बह निकली। माता के अंदर से ममत्व हुआ, कूचो से धारा बही, दूध भयो पाषाण, पायो खेलत प्रभु को अचरज भयो। दोनों धाराएं आंचल से निकली और सिंगाजी बाबा के मुंह में पहुंची। और जहां जहां भी वो दूध गिरा तो वो दूध में इतना पावर था, उतल पुतल तलातल पाताल और रसातल को चीरते हुए वो दूध की धाराएं निकल। आज भी जो लोग खजूरी दर्शन करने के लिए जाते हैं वो दोनों दूध की धाराएं आज भी मौजूद है। जय हो, जय हो। मुरली बजाते हुए कृष्ण रूप ऐसी शेरनी जैसी सिंघनी का दूध सिंगाजी बाबा ने पिया था, जिसके दूध में इतना पावर था, जो इस घोर कलयुग में रहकर संसार के हर कार्य काज को करते हुए गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए और जो बड़े बड़े हिमालय के योगियों को जो गति प्राप्त नहीं होती, वो सिंगाजी बाबा ने गृहस्थ जीवन प्राप्त करके और इस समाज को संबोधित किया। जय हो, जय। सिंगाजी बाबा का जब प्राकट्य हुआ तो वहां तो सारी स्थितियां प्रकट हो चुकी। सिंगाजी बाबा का जब अवतरण हुआ तो पूरे नगर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है और मंगल गीत गा रहे हैं, बधाइयां बट रही है और खुशियां मनाई जा रही है। माता गौरावी उसको पालने में झुलाते हुए और दलूदास जी बाबा प्रखान करते झूले नो बांधो मारी माता गौर
प्रकार खजूर की धरती पावन और बड़े ही आनंद उत्सव मंगल की दिशाएं सब झूम रही है, आनंद मनाने लगे और श्रृंगार जी बाबा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह आगे बढ़ने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से बाल लीलाएं शुरू की और खतरा भी आकाशों बकासों चाणों मुष्टि पूतना रोज प्रहार। हाँ हाँ, एक भगवान का जीवन देख लीजिए, रोज खतरा हमारे ऊपर थोड़ा बहुत कभी आए तो घबराना मत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत का नियंता खतरे और इसी प्रकार आज श्रीराजी बाबा भी कलयुग के कृष्ण अवतार माने जाते हैं, उन पे भी खतरा शुरू हुआ क्योंकि अच्छी चीज पर हमेशा खतरा होता है। अगर तुम्हारे मार्केट में बेलू शुरू हुई खतरा अच्छा फूल कभी पेड़ में लगा हुआ सुंदर तो पेड़ में नहीं रहने देंगे, तोड़ेंगे उसको, लगे लगे वो पेड़ में तोड़ेंगे। फल से पेड़ लगा हुआ है उसमें पत्थर लकड़ी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। अब पंगत में कभी अच्छा आइटम बन जाए तो कभी खुटाए जब तक नहीं हार मारेंगे, दूसरी तरफ कौन जाए, जो ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा अच्छा लग रहा उसी को, तो जो अच्छा है संसार के अंदर अच्छे के ऊपर खतरा। देख लीजिए जितने भी संतों के जीवन, राम कृष्ण के जीवन, जितने भी अवतार हुए कोई खतरे से खाली? सिंगाजी बाबा का भी अवतार सम्मत 1576 सम्मत 1576 जानी जन्म लियो खजूरी राजपुर जिले के बड़वानी तहसील में पश्चिम निमाड़ में सिंगाजी बाबा का जन्म बैसाख शुद्ध नवमी दिन बुधवार नक्षत्र रोहिणी सूर्य उदय के समय रवि के उदय दरमियान। बड़े भाई लंबा जी, बहन कृष्णा बाई, पिता का नाम भीमा जी, माता का नाम गौर बाई और ग्राम खजूरी की धरती को सिंगाजी बाबा ने पावन किया। बैसाख शुद्ध नवमी सारा प्रकट भय दिन बुधवार 750 गाय भैंस घी दूध की नदी बहती थी, रिद्धि सिद्धियां सब मान रद्द करती थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही 9 लाख गायों को चराने जाते थे, इसी प्रकार सिंगाजी बाबा भी देव नदी में अपनी गाय भैंस को बिठाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, चराने के लिए जाने लगे। परंतु वहां रंगाव एक गांव है, वहां के राजा के कपड़े धोने के लिए एक धोबी देव नदी में रोज आता था, पानी गंदा हो जाता था, धोबी को ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या का रोग बड़ा पुराना रोग है, उसने सिंगाजी बाबा को मिटाने का संकल्प ले लिया और तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया।
एक विद्या एक मूठ रोज सिंगाजी बाबा को मार मार मार। ऐसे करते करते 12 महीने व्यतीत होते, 360 विद्या 52 वीर 64 जोगनी की विद्या में तंत्र विद्या में धोबी बड़ा निपुण था और अपनी विद्या पर बड़ा अहंकार था। 12 महीने में सारी विद्या समाप्त हो गई। सिंगाजी बाबा ने अपनी माता से कहा, क्योंकि माँ को अपने पुत्र पर बड़ी ही ममता होती है, चाहते तो सिंगाजी बाबा इस रहस्य को बताते भी नहीं, जिसका 12 महीने में धोबी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, परंतु एक निमित्त बनाया, जैसे भगवान राम ने निमित्त बनाया, उनको तो राज्याभिषेक हो रहा था, पर सरस्वती को बुलाया कि तू जा केकई के कंठ में जाकर बैठ, और जो वो दो वरदान धरोहर के रूप में धरे हैं उनको याद दिला और मेरे लिए वनवास मांग। अगर मैं यहाँ राजा बनकर बैठ गया तो संत महात्मा कई युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, आताताइयों का भार बढ़ना है, राक्षसों का दमन करना है, मेरा अवतार भूमि का भार उतारने के लिए हुआ है, दुष्टों का दलन करने के लिए हुआ है, अब मुझे यहाँ राजा बनाया जा रहा है। सरस्वती ने केकई का हृदय परिवर्तन कर दिया और वरदान में वनवास मांगा और उत्तर से उत्तर दिशा से अयोध्या से यात्रा राम ने शुरू की और श्रीलंका दक्षिण में जाकर समाप्त की। उत्तर से दक्षिण तक भ्रमण करके कोने कोने में घूमकर राक्षसों का दमन किया और भक्तों का कल्याण किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, वहां से चले और अंत कहां किया? द्वारिका। भ्रमण। इसी प्रकार आज सिंगाजी बाबा का जन्म पश्चिम निमाड में हुआ, परंतु धोबी को निमित्त बना रहे हैं, क्योंकि घूमेंगे नहीं, निमित्त नहीं बनेगा, भ्रमण नहीं करेंगे तो भक्तों का कल्याण कैसा होगा? मां अपने से ये धोबी बहुत दुखी है और इसको 12 महीने हो गए तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा, मूठ चला रहा है, जहां से अपने को अपने से कोई दुखी हो वो गांव अपन ने छोड़ छोड़। जन्मभूमि से सबको बड़ा बड़ा, परंतु माता ने निर्णय ले लिया कि जहां ऐसे दुष्ट लोग बसते हो, जहां मेरी संतान पर खतरा है, यहां रहना उचित नहीं है। अब माता ने अपना आदेश सुना दिया कि कल प्रातः काल होते ही खजूरी को छोड़ दी जाए। सिंगाजी बाबा खजूरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब पूरे क्षेत्र में पता चला कि आज सिंगाजी बाबा खजूरी की धरती को छोड़कर जा रहे हैं, तो वहां के सारे नर नारी समूचे जन सैलाब उमड़ पड़ा और सिंगाजी बाबा के परचिन्ह को पकड़ लिया। जैसे भगवान ने भी जब मथुरा गोकुल छोड़ा तो गोपी ग्वाल रथ के आगे सो गए, रथ के आगे सो गए, कृष्ण का रथ बढ़ने नहीं दे, पर महापुरुष एक जगह मोह में बनते नहीं, उनका प्रेम सर्वव्यापी होता है, सर्वत्र होता है, एक जगह वो बनते नहीं है। इसी प्रकार आज श्री सिंगाजी महाराज को सब लोग विदा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में नर नारी एकत्रित हुए। सिंगाजी बाबा उनसे
उनको संकल्प लिया, निर्णय लिया कि भैया मैं तुम्हारे यहां भी हमेशा रात्रि कालीन में आते रहूंगा। आज भी जानकार और अनुभवी लोग अनुभव करते हैं कि रात्रि कालीन में खजूरी की धरती पर सिंगाजी बाबा के प्रकाश तत्व का लोग अनुभव करते हैं। ऐसा उनको वरदान देकर सिंगाजी बाबा चलने लगे तो खजूरी ग्राम में वो रणगांव का जो धोबी था जिसने 360 विद्या का प्रयोग किया था वो आकर और सिंगाजी बाबा के पद चिन्हों को पकड़ कर और चरणों में लौटने लगा कि प्रभु मैंने आपके साथ बड़ी दुष्टता की है, आप मुझे क्षमा कर दें। सिंगाजी बाबा ने कहा कि जो तूने मेरे साथ किया मैं तेरे साथ नहीं करूंगा, क्योंकि संत का हृदय चंदन की तरह होता है, साधु की चंदन भावना शीतल उनका अंग तपन बुझावे और की दे दे अपना रंग। भले ही कुलाड़ी चंदन को काटे पर वो तो कुलाड़ी में भी खुशबू भर देता है। इसी प्रकार संत का हृदय होता है, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो माखन की तरह इतना कोमल और नरम होता है। उन्होंने धोबी को अभय दान दिया और आशीर्वाद दिया। धोबी दूसरे जन्म में सिंगाजी बाबा के बड़े बेटे के यहाँ अवतरित हुआ, दल्लूदास बाबा के नाम से प्रख्यात हुआ और जिन्होंने सिंगाजी बाबा के 1400 भजन की रचना की। संत के परामर्श में जो जीव आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। आए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार, जो शरणागत हो जाता है उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस प्रकार सिंगाजी बाबा 56 जगह गुआड़ी 36 जगह गुआड़ी करते करते ग्राम मीनावा आए। मीनावा में उनके पिताजी ब्रह्मलोक को सिधार गए, वहां से चलकर हरसूद आए और हरसूद से राजा लक्ष्मण सिंह के यहां उन्होंने नौकरी की। 12 वर्ष तक डाकिया का काम किया, क्योंकि राजा लक्ष्मण सिंह की रियासत थी, 362 गांव उनकी राजधानी के रियासत के थे। उनसे मिले अब 750 गाय भैंस को उनके जंगल में चराना तो राजा से संपर्क करना बड़ा अनिवार्य है। 12 वर्ष तक सिंगाजी बाबा ने डाकिया का पोस्टमैन का काम किया। एक रोज उनके कोई सामाजिक कार्यक्रम की पत्रिका सिंगाजी बाबा के पास हरसूद आई। उनके बड़े भाई निंबाजी उन्होंने सिंगाजी बाबा को एक पहल फरमाई कि आप अपना डाक का काम करते हुए और ग्राम भैसावा चले जाना, वहां से निमंत्रण आया है। सिंगाजी बाबा ने अपना डाक का काम किया और ग्राम भैसावा पहुंचे जहां पर मनरंगीर बाबा आए और मनरंगीर बाबा अपने मन को समझाते हुए सबको उद्बोधन कर रहे हैं। मनरंगीर बाबा ब्रह्मगीर बाबा के शिष्य और सिंगाजी बाबा की जो प्रणाली है और जोशी मठ से संबंधित, जोशी मठ से आया श्री सतानंद महाराज, सत्यानंद ने हुकुम दिया तुम दक्षिण करो, पार नर्मदा जाकर, नर्मदा खंड एक पवित्र है गोंडों का देश, वहां जीव चेताए कर ज्ञान करो प्रवेश, पार नर्मदा जाकर जहां ता करियो ध्यान, ध्यान लगे प्रकाश दिखे
वही वही मिटा जा। भामगढ़ की रियासत जाम कर पूरे उठान आसनदार बैसठ भय संत लियो विश्राम। हमारे देश में आदि गुरु शंकराचार्य हुए, शंकर का अवतार। आज से 5-6 हजार वर्ष पहले ये चार धाम तीर्थ नहीं थे, चार मठ नहीं थे, ये तो आदि आदि गुरु शंकराचार्य ने ये चारों मठों की स्थापना की। पूर्व दिशा जहां जगन्नाथपुरी, वहां गोवर्धन मठ की स्थापना की। वहां का वाक्य है तत्वमसि। हमारे यहाँ चार वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार वेद और चारों वेदों के चार महावाक्य। गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, दक्षिण वहां श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। वहां का मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि। दक्षिण में, पश्चिम में द्वारिका जहां शारदा मठ की स्थापना की, वहां का मंत्र है प्रज्ञानाम। उत्तर में बद्रीनारायण के पास जोशी मठ, और वहां का मंत्र है शिवो। सिंगाजी बाबा जोशी मठ से संबंध रखते हैं। सिंगाजी बाबा की जो प्रणाली है, आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में 10 धाम संप्रदाय को जन्म दिया। गिरी, पुरी, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ऐसे ये 10 धाम संप्रदाय हुए। सिंगाजी बाबा का जो अखाड़ा वो गिरी नामा संप्रदाय है और 10 धाम संप्रदाय से संबंध रखते हैं। जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ वहां से ये शिष्य प्रणाली चल चल। प्रथमे आदि अनादि ब्रह्म, ब्रह्म के शिष्य हुए अनल, अनल के शिष्य हुए परनल, परनल के शिष्य मेघासक्त, मेघासक्त के शिष्य निरंजन, और निरंजन के शिष्य ओंकार, ओंकार के शिष्य विष्णु, विष्णु के शिष्य अविनाशी, अविनाशी के शिष्य मार्कंडेय, मार्कंडे के शिष्य हिमांचल, हिमांचल के शिष्य धूमर ऋषि, और धूमर ऋषि के शिष्य दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के शिष्य सेत, सेत के शिष्य केत, केत के शिष्य दुर्वासा, दुर्वासा के शिष्य रोहिण्या, रोहिण्या के जड़ भरत, और जड़ भरत के गौतम ऋषि, गौतम ऋषि के शिष्य गंगे ऋषि, गंगे ऋषि के शिष्य सुत पुराणिक, सुत पुराणिक के शिष्य सेत, सेत के शिष्य केत, केत के शिष्य दुर्वासा, और दुर्वासा के शिष्य कपिल मुनि, कपिल मुनि के शिष्य सेवाचार्य, सेवाचार्य के सन्मुखाचार्य, सन्मुखाचार्य के शिष्य हुए गर्गाचार्य, गर्गाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य के शिष्य हुए शंकराचार्य, शंकराचार्य के चार शिष्य हुए। प्रथम शिष्य गर्गाचार्य, तृतीय स्वरूपानंद, तृतीय आत्मानंद, चतुर्थे पद्माचार्य, पद्माचार्य के शिष्य गर्गाचार्य, गर्गाचार्य के शिष्य तीन हुए गिरी, पर्वत और सागर, तृतीय शिष्य स्वरूपाचार्य के शिष्य दो हुए वन और अरण्य, तृतीय शिष्य रुद्राचार्य के शिष्य तीन सरस्वती, पुरी और भारती, चतुर्थे शिष्य त्रितोकाचार्य के शिष्य दो हुए तीर्थ और आश्रम, शंकराचार्य स्वामी के तृतीय शिष्य आत्मानंद। यहाँ से सिंगाजी बाबा की प्रणाली शुरू होती है। आत्मानंद, आत्मानंद स्वामी के शिष्य हरिहरानंद, हरिहरानंद के शिष्य विमलानंद, विमलानंद के शिष्य ज्ञानानंद, ज्ञानानंद के भावानंद, भावानंद के शिष्य आत्मानंद, आत्मानंद के शिष्य जगतानंद, जगतानंद के सत्तानंद, सत्तानंद के सदानंद, और सदानंद के शिष्य चार हुए मेघनाथ, द्वितीय अपारनाथ, तृतीय रामदत्त, चतुर्थ अवगुणनाथ, अवगुणनाथ के शिष्य हुए भिकारीनाथ, और भिकारीनाथ के लालगीरनाथ, लालगीरनाथ के शिष्य जगन्नाथगीर, जगन्नाथगीर के ब्रह्मगीर, और ब्रह्मगीर के मनरंगीर। यहां तक इनकी गुरु प्रणाली होती है। मनरंगीर स्वामी
जसवाड़ी एक ग्राम है जहाँ रहे जात सुनार दर्शन हेच काशी गए संतत किया विचार। वहाँ की दो दंपत्ति थी सुनार सुनारन जिनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत धन था पर नी संतान के दुख के वियोग में वो काशी गए। और काशी जब पहुंचे वहां जाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। प्रार्थना की, व्याकुल हो गए कि ऐसे जीवन से ये कलंक के जीवन से तो मृत्यु पूर्ति है। वहां एक महापुरुष प्रकट हुए। कहो भाई आप बहुत दुखी दिखते हो, बात क्या है महाराज, हमारे दुख का क्या निवारण करोगे आप, बताइए। उन्होंने अपनी वेदना सुनाई। संत बड़े ही परमार्थी होते हैं। उन्होंने उसका दुख का निवारण करने के लिए उनसे वायदा किया कि हम तुम्हारे घर जन्म लेंगे, परंतु 12 वर्ष तक हम तुम्हारे यहां रहेंगे और 12 वर्ष के बाद हम अपना शरीर छोड़ तुम्हारे दुख के निवारण के लिए हम आ रहे हैं। हमको कोई मोह माया में और पुत्र मोह में फंसाने का प्रयास मत करना। 9 महीने के बाद उनके यहां बालक का जन्म। धीरे 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 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 बरस जब पूरा हुई साधु रूप दिखाया। तेरे पुत्र नहीं हम साधु हैं, एक बरस तक हम जग में रहे। हमारा शोक करो मत कोई, हम काहू के पुत्र ना हो। हम किसी के पुत्र नहीं हैं, आप हमारा शोक मत करो। तुम्हारे कोल को पूरा किया और हमने अपना मार्ग लिया। दिवस तीसरे को हम जाइए हमारे देश में हम जाए रहे। आप तीसरे दिन हम अपने शरीर को त्यागेंगे। कोई हमारे नाम से रोना गाना मत, पुत्र मोह मत रखना। हमारे इस शरीर को आप एक पेटी में बंद करें, सुक्ता नदी में बहा दें। और वो रूप दिखाया जो काशी विश्वनाथ में जो इस संत का रूप था, वो रूप उनको दिखाया कि देखो हम वो संत हैं, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो तो हम तुम्हारे कोल को पूरा करने के लिए हम तुम्हारे यहां आए। उन्होंने अपने प्राण का परित्याग किया। 12 वर्ष का दिव्य राजकुमार, वो तो एक संत का आत्मा थी, एक संत का शरीर था। दिव्य आभा शरीर से निकल रही, चेतना निकलने के बाद उसको एक पेटी में बंद करके और सुक्ता नदी में। इधर राजस्थान प्रांत की रूपाबाई जाट समाज की रहने वाली, अपनी तंत्र विद्या में इतनी भरपूर थी कि अपने जादू से अच्छे अच्छे को गिरा देती थी। उसको किसी ने बताया कि कपूरगढ़ के ऊपर एक महात्मा निवास करता है, तू अपने जादू के विद्या से क्या संसार को ठगती है। तेरी विद्या से मार सकती है, पर ब्रह्म विद्या में वो पावर है कि मरे हुए में जीवन दान दे सकती है। जय हो जय। रूपा डमरू बजाती थी हर गांव में, अपना जादू का खेल करती थी, अपना जीवन का निर्वाह करती थी। ऐसे करते करते कपूरगढ़ पर जब वो पहुंची, जो आज स्थान ब्रह्मगिर के नाम से विख्यात है, उसको 500 वर्ष पहले कपूरगढ़ के नाम से जानते थे। रूपा का डमरू बाजे बस्ती में गई आवाजे। रूपा ने जब डमरू बजाया सारे नगर के लोग एकत्रित हो गए, उसने अपना खेल का प्रदर्शन शुरू किया। ब्रह्मगिर बाबा और जगन्नाथ गिर बाबा पहुंचे और उसको कहा कि ये नाटक चेटक बंद कर।
अरे किसी सोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जा और अपने मानव जीवन को सफल कर। ये तांत्रिक विद्या में अपने जीवन को नरक मत बनाए, मत लोगों के साथ ठगबाजी करे, इस भोले समाज को मत गुमराह कर। तो किसी ब्रह्म विद्या किसी गुरु की शरण में वो विद्या में इसका पावर है। तू तो लोगों को मारती है पर ब्रह्म विद्या लोगों को जीवन दान देती है। रूपा बाई कपूरगढ़ पर रहने लगी, सेवा करने लगी। तो पहले जमाने में एकदम से गुरु दीक्षा नहीं मिलती थी, शिष्य को जांचा जाता था। अपन भट्टे खरीदते हैं तो छाटते हैं कि नहीं, परत परत। एक गर्मी के दिन में पानी पीने के लिए मटका खरीदते हैं तो बजा बजा कर, ये तो कच्चा मटका उठा लाया तो पानी कैसे टिकेगा। एक गुरु भी जब एक शिष्य बनाता है तो वो भी अपने शिष्य को ठोकता है, बजाता है, उसको कसौटी लगाता है कि इसके भीतर कितनी तड़प है, कितनी जिज्ञासा है। 12 वर्ष तक रूपाबाई कपूरगढ़ में रही, आश्रम की सेवा की। उसको कह दिया कि तेरा कहीं गुरु भाई मिल जाए तो तुझे दीक्षा दे दी जाएगी। देह त्याग कर चल दिए धर्मराज दरबार, जल में दे छेड़िए लागी कुटी किनार। जगन्नाथ गीर और ब्रह्मगीर दोनों करे विचार, ये मुर्दे के कर्म को देखो आप न्यार। उठकर गुरुजी देखियो विधिगत लखी न जाए, शिष्य होएगा आपका जग चेतावन। ये तीनों मूर्ति सुक्ता नदी के किनारे पर ध्यान मुद्रा में बैठी थी, जगन्नाथ गीर, ब्रह्मगीर और रूपा। ये पेटी बहती हुई आई, रूपा भाई ने जब वो पेटी देखी तो उसको पानी से झकोले दे देकर किनार लगाई, और पेटी का जब ढक्कन खोला तो उसमें सुंदर 12 वर्ष का राजकुमार सोया। किनार पे लाकर और वो दोनों महात्माओं के पास रख दिया कि तुमने मेरा जादू का खेल तो बंद करा दिया, पर आप तुम्हारी ब्रह्म विद्या की परीक्षा है। ये जस का तस है, इसका एक रोम भी बाका नहीं हुआ। हाथ पांव पूरा शरीर जस का तस है। सोहम वालो हाल रो अरे हाँ, सोहम वालो हाल रो नीत निर्मल निर्मल थारी जो सोहम वालो हाल रो नीत निर्मल अरे निर्मल थारी जो जा।
झूलने वाला शब्द धातु को यो पिंजरो पाटा 360 एक एक कड़ी एम जड़ाओ जा पर रचियो ठाट। ठाट किसका है? ये बोलने वाला अगर इसमें नहीं है कोई ठाट तो इसका है। ये चेतन तत्व जब तक इसके भीतर है पूरा शरीर जस का तस है। 360 हड्डी में से एक हड्डी भी नहीं टूटी। शरीर में कितनी हड्डियां हैं? पाट्या 360। अब ठाट नाम इसमें आत्मा नहीं है, इसमें आप प्राण डाल दो। जगन्नाथ गिर बाबा ने अपने शिष्य को संकेत किया कि जाओ अपने योगिक क्रिया से समाधि में जाकर इस मुर्दे के कर्म को निहार कर दे। जगन्नाथ गिर ब्रह्मगीर दोनों करे विचार, ये मुर्दा के कर्म को देखो आप। उठकर गुरुजी देखिया विधिगत लक्षी न जाए, शिष्य होएगा आपका जग चेतावन। जगन्नाथ गिर बाबा ने कहा ये तो आपका शिष्य होने वाला है और इस संसार का कल्याण करने वाला होगा। तो अपने शिष्य ब्रह्मगीर को आर्डर दिया कि देखो ये जीव कहां गया है, किस जगह पर गया है, कैसे कैसे महान विभूतियां इस भारत भूमि के अंदर हो गई। ध्यान किया ब्रह्मगीर ने, पहुंचे धर्मराज दरबार। ये जीव तुम क्यों लाए हो, तुम्हारा नहीं करार, तुम्हारा करार नहीं है, इस जीव पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुमने इसको क्यों लाया? ये जीव हमें लौटाओ वापस। देवी संपदा जीव है, आसुरी संपदा नाय, हम ले जावे मृत्यु लोक में हमारी सेवा नाय। ये देवी संपत्ति का जीव है, एक संत की आत्मा है, इसे वापस लौटाओ। हमारी सेवा के लिए नहीं, जग के कल्याण के लिए हम इसकी आत्मा को लेने के लिए आए। ब्रह्मगीर बाबा ने उस अंश को लिया, ध्यान के द्वारा पहुंच गए सत्यलोक में और वहां से उस जीव को छुड़ा कर ला रहे हैं। लेके अंश चल दिए धर्यो गोद के माय, और मन रंगीर कह चेताइयो सबसे पकड़ी। जय हो, जय। उस मुर्दे के अंदर प्राण फूंक कर और उसका नाम मन रंगीर रखा, और वो मन रंगीर बाबा आज कल की कथा में सिंगाजी बाबा के गुरु। जय हो, जय। आज की कथा को यही विराम, कल सब लोग ठीक 12 बजे पधारे और बड़ी ही गंभीर और रहस्यमय कथा कल के लिए होगी, इसलिए सभी लोग ठीक समय से पधारे। मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको Yeah.
बनाकर नहीं आनंद के साथ, यही हमारे जीवन की कमाई है। ध्यान सुमिरन जप तप, बाकी तो सब कचरा यहीं रह जाएगा। आत्माराम होकर दो मिनट के लिए केवल विभाव से आत्माराम, जिसका जो इष्ट हो, गुरुमुखी अपने गुरु शब्द का जाप श्वास में आज बाद। जो मंत्र से दीक्षित नहीं है वो राम मंत्र का जाप करें, श्वास मुंह से नहीं, अंदर श्वास जाए राम बाहर राम ओ मां ओ मां। इच्छित लोग तो अपने मंत्र का जाप करें, केवल विभाव से आत्माराम होकर निर्विचारता के साथ समस्त चिंताओं का परित्याग करके घर जाने की जल्दी को छोड़कर अपने आप को आत्माराम महसूस करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में रहने वाला चैतन्य आत्मा, मैं बाहर भी मैं भीतर भी हूं, मैं ऊपर भी हूं मैं नीचे भी हूं, मैं दाएं भी हूं मैं बाएं हूं, सर्वत्र हूं मैं। प्राणों का प्राण, शरीर तो मेरा घर है,
जय हो, हरिओम। हेलो 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 हेलो
गोपाल कृष्ण भगवान की जय। समर्थ ब्रह्मगीर महाराज की जय। रंगीर स्वामी की जय। शिवाजी महाराज की जय। परमहंस बाबा की जय। गुरु गुलाबदास बाबा की जय। अनंत कोटि संतों की जय। चरी प्राण की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु